विश्व में कोरोना महामारी के दौर में जब करोड़ों की तादाद में लोग अस्पतालों में थे, तब डॉक्टर्स के साथ नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जिंदगियां बचाई। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दशकों से नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगातार नर्सिंग प्रोफेशन बेहतर हो रहा है और इसका महत्व भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्सों के योगदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कई तरह के आयोजन हुए। R&T मेडिकल कॉलेज के सभागार में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ नर्सिंग दिवस मनाया गया, जिसमें R&T मेडिकल कॉलेज के सभी विभाग में मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ नर्सिंग कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वल्लभ नगर विधायक प्रीति शक्तावत, मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, अधीक्षक डॉक्टर R.N. सुमन ने सभी को नर्स शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर्स और नर्स भगवान का रूप होते हैं, जो हर समय इंसान की जान बचाने में लगे रहते हैं। वही कोरोना में भी सबसे अहम रोल नर्सेस का ही रहा है, दिन हो या रात हर समय सेवा देने में तत्पर रहते हैं। मैं प्रवीण चरपोटा, राजस्थान नर्सेस उदयपुर शहर। आज 12 मई नर्सेस डे है, पूरी नर्सेस जोर जोर से अपने नर्सेस डे का प्रोग्राम बना रही है और हमारे मुख्य अतिथि आज प्रीति शक्तावत, धर्म नारायण जोशी जी हैं। और आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डे है, जो विथ लेडी बोलते हैं, जिन्होंने हमारे नर्सेज के लिए 20 साल तक लगातार काम किया है। और आज इसलिए हम हर साल 12 मई को हम नर्सेज डे मनाते हैं और पूरी नर्सेज और सभी मीडियाकर्मियों को हम नर्सेज डे की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं। थैंक यू। शुरू करूँ? गिरीश जोशी, कार्यकारी नर्सिंग अधीक्षक, राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पे आज पूरे उदयपुर का यह बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। नर्सेज मतलब चिकित्सा जगत की रीढ़ की हड्डी। नर्सेज एक सामूहिक शब्द है जिसमें चिकित्सा से लेकर के नर्सिंग सेवा पर्यंत सारे कार्य किए जाते हैं। नर्सेज दिवस के दिन हम हमारी अनेक मांगों का भी पुनरावर्तन करते हैं। जैसे भीषण कोरोना काल था, उसमें प्रथम पंक्ति में नर्सेज थे, बाकी जितने संवर्ग है वो सेकंड थर्ड में थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी और पिछले वर्ष पुनः उसको यहाँ आकर के कहा था, लेकिन वो राशि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। 7 जुलाई 1964 का एक आदेश है राज्य सरकार का, जिसमें प्रत्येक जगह नर्सिंग स्टाफ को चिकित्सा करने का स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ है, लेकिन बार बार सरकार से उस पर चोट की जाती है, रोका जाता है। उसका कारण ये है कि नर्सिंग समुदाय स्वतंत्र होने के बावजूद उसका नर्सिंग निदेशालय नहीं होने का कारण उसको अधीनस्थ कर्मचारी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमारी आज के इस मंच से भी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर यह डिमांड है कि नर्सिंग के पृथक निदेशालय बनाए जाए, नर्सिंग के रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज किए जाए, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग करके वो पूरी ज़िंदगी रिटायरमेंट तक पड़ा रहता है, उसके न प्रॉपर प्रमोशन होते हैं, न उसको अधिकार दिए जाते हैं, नर्सेज को दबाया जाता है। तो नर्सेज के विकास के लिए इस दिन हम कुछ प्रतिज्ञाएँ करते हैं, कुछ डिमांड करते हैं और आप लोगों ने इसको कवरेज करने के लिए आए, आप सबका धन्यवाद। मैं नरेश पुरबिया, संभागीय अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर। आज हम विश्व का अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस इस उदयपुर में बहुत बड़े समारोह के साथ में धूमधाम से मना रहे हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आज जन्म दिवस है और पूरा विश्व इसको एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नर्सेज दिवस के मनाते हैं। और आज का दिन प्रत्येक नर्स के लिए एक सम्मान का दिवस है, क्योंकि इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हमारे को एक जीवन की एक नया कला सिखाई थी। और चिकित्सा से हटकर जैसे चिकित्सा के पैरेलल जो कार्य करते हैं वो हमारे नर्सिंग कर्मी करते हैं, जितनी चिकित्सा के डॉक्टर काम करते हैं उसी अनुपात में हमारे नर्सिंग कर्मी काम करते हैं। और बिना नर्सिंग कर्मी के चिकित्सा सुविधा अधूरी है, क्योंकि मरीजों के साथ ज़्यादातर समय नर्सेज रहती हैं। डॉक्टर केवल एक मरीज़ को देखकर उसका डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करके लिख कर चले जाते हैं, लेकिन हमारे नर्सेज मरीजों के साथ में बराबर रहती हैं, 24 घंटे उनके साथ में रहती है, उसके दुख दर्द को समझती है और उसके जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करती है, उसकी नर्सिंग केयर करती है और उसके बीमारी से निदान दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसलिए ये नर्सेज दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अंतर्राष्ट्रीय
रूप में मनाया जाता है। सभी नर्सेज को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।